मालम जबा से नीचे उतरते ही यहाँ पे एक बालाकोट नाम की जगह है, बालाकोट गांव है, वहाँ से हमने राइट टर्न किया और हम यहाँ, ये थोड़ा सा रास्ता कच्चा पक्का होगा लेकिन हम शांगला टॉप पहुँच जाएंगे और इस तरह हमारा काफ़ी सारा टाइम जो है वो बच जाएगा, क्योंकि हमने जाते हुए एलपुरी के रास्ते बशाम और बशाम से होते हुए हम फिर थाकोट और फिर बटाग्राम से होते हुए मानसरा पहुँचेंगे। जो हमने रास्ता कच्चा लिया था शांगला टॉप के लिए बालाकोट से आगे, तो हम तकरीबन कोई 20 से 25 मिनट में हम शांगला टॉप पहुंचे और अभी हम अलपुरी की तरफ जा रहे हैं। हम मेन रोड पे हैं जो कि बिशाम से सवात की तरफ आता है। जी, इस वक्त मैं शांगला टॉप पे मौजूद हूं और यहां से हमारा सफ़र है डिस्ट्रिक्ट शांगला के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है अलपुरी की तरफ, और अलपुरी से होते हुए हम बिशाम जाएंगे और बिशाम से फिर हम आगे जो है वो थाकोट के रास्ते सीपैक से होते हुए मानसेरा। तो आज हम आपको दिखाते हैं अलपुरी, शांगला और बिशाम। शांगला पाकिस्तान के खूबसूरत ज़िलों में से एक ज़िला है और ये कुछ अर्सा कबल यानी कोई तकरीबन 15 साल पहले ये डिस्ट्रिक्ट सवात का हिस्सा हुआ करता था और अभी भी ये मलकंडवीन का हिस्सा है लेकिन अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया है और इसकी दो तहसीलें हैं, अलपुरी और तहसील बिशाम। शांगला टॉप में सर्दियों में काफ़ी बर्फ़ होती है और यहाँ से जो गाड़ियाँ गुजरती हैं उनको कभी कभार काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। ये आपको सामने शांगला टॉप नज़र आ रहा है, आलमोस्ट ये जगह भी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये भी शांगला टॉप ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस वक्त हम शांगला में हैं। मेरे साथ मौजूद हैं फ्रंट सीट पे शामिल कलीम खान और बैक सीट पे फुरमत शाम और उससे बैक सीट पे जो कुछ चीज़ें ठीक कर रहे हैं शेर गयास बेग। आज हम आपको दिखाते हैं शांगला, डिस्ट्रिक्ट शांगला, और हम इसे स्टार्ट करते हैं शांगला टॉप से। हम जाएंगे अलपुरी और अलपुरी से होते हुए हम आगे शाहपुर और शाहपुर से होते हुए बेले बाबा और बेले बाबा से आगे फिर हम बिशाम तक पहुंचेंगे और बिशाम से होते हुए हम आपको थाकोट और फिर आगे मानसरा लेके जाएंगे। चलते हैं अलपुरी की तरफ।
ये रास्ता पुरन को जाता है राइट साइड पे, और जो जो लेफ्ट साइड पे जिस पे हम जा रहे हैं ये अलपुरी की तरफ जा रहा है। पुरन भी एक खूबसूरत वैली है देखने के काबिल। अलपुरी जो शहर है, इतना बड़ा शहर तो नहीं है लेकिन बड़ा प्यारा सा शहर है, और ये तकरीबन दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा यहाँ तक आता है और एक हिस्सा थोड़ा सा आगे है। यहाँ जो जितने भी बिल्डिंग्स हैं, ख़ास तौर पे जब मैं यहाँ पे आपको लेके जा रहा हूँ, ये थोड़ा सा जूम भी करूँगा, तो इस तरफ जो हैं वो सारी जो हैं वो बिल्डिंग्स गवर्नमेंट की हैं। DC का ऑफिस है और SP ऑफिस और बाकी अदालतें वगैरह भी इसी तरफ हैं, जबकि बाकी बाज़ार वगैरह इस तरफ की और इससे आगे वाली साइड पे भी बाज़ार आपको नज़र आएगा। अलपुरी का छोटा सा खूबसूरत सा बाज़ार अपने अख्ताम को पहुंचा, और अभी हम यहाँ से थोड़ा आगे निकल आए हैं, लेकिन आगे फिर एक छोटा सा बाज़ार आएगा। ये भी अलपुरी का ही इलाका है, लेकिन चूंकि इस तरफ पहाड़ी है तो बाज़ार शायद इसलिए यहाँ पे मुनक़ते हो गया है। यहाँ से दोबारा अलपुरी जो है वो स्टार्ट हो गया। बीच में थोड़ी सी जगह थी जहाँ पे स्पोर्ट्स स्टेडियम भी है और पेट्रोल पंप और एक दो बैंक्स भी हैं। कुछ अर्सा पहले जब यहाँ पे फ्लड आया था तो ये सारा रोड तबाह हो गया था बशाम से लेकर अलपुरी तक, और बड़ी बड़ा टाइम लगता था यहाँ पे। लेकिन अब ये फुली कारपेटेड रोड है, आप देख सकते हैं इसको कि कितना प्यारा रोड बना हुआ है, और मेरे ख्याल बशाम से यहाँ तक हार्डली कोई मेरे ख्याल में कोई घंटा या 45 मिनट लगते हैं। एहतिशाम, बारिश थोड़ी सी तेज़ स्टार्ट हो गई है, आप इंजॉय कर रहे हैं इसको? जी अभी अच्छे से बात हुई थी, अभी बता रहा था कि शाम में बारिश। खुर्रम, कैसा लग रहा है आपको यार? बहुत फैसिनेटिंग जी, इंशाल्लाह सफ़र हमारा जिस तरह पीछे आसानियाँ है, बहुत शॉर्ट रस्ते हमें नहीं है, हमारा सफ़र आसान है, तो आगे भी इंशाल्लाह। जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि ट्रेवल हमने बहुत ज़्यादा किए हैं, गठे भी किए हैं, लेकिन इस दफ़ा का जो ट्रेवल हम साथ कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही इंजॉय किया हमने, और बहुत ही स्मूथ सफ़र रहा, और साथ साथ ज़्यादा साहब की जो ये वीडियोज़ बन रही हैं उनको हमने स्पेशली बहुत इंजॉय किया। तो इंशाल्लाह जब ये तैयार हो जाएगी आप लोग देखिएगा, आप भी बहुत एंजॉय करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ड्राइविंग का जो स्टेमिना है इनक्रेडिबल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। काफ़ी लंबी ड्राइव जो है उसमें आसान है, क्योंकि कल से जो है सब्जी भी यहाँ पे काफ़ी उगाई जाती है, और ये देखें आपके सब्जी से भरी हुई ये जो एक सूखी है वो शाम की तरफ रवाना हुआ है। 2010 के फ्लड में ये बिल्कुल तबाह हो गया था ये रोड, और ये दोबारा बनाया गया है, लेकिन अभी जो इसकी कंडीशन है वो बहुत ही अच्छी है। आप ज़रूर इस तरफ आएँ, और अगर आप इस्लामाबाद से आ रहे हैं तो आप तकरीबन 3 से 3.5 घंटे में थाकौर तक पहुंच जाएंगे वाया मानसरा मोटरवे, हज़ारा मोटरवे, और फिर उसके बाद आपको बिशाम तक कोई 20 से 25 मिनट लगेंगे, और बिशाम से अलपुरी तक आपको
एक घंटा लग जाएगा। इंफॉर्मेटिव है ना बहुत ज्यादा। इस जगह का नाम है बेले बाबा और ये काफी मशहूर जगह है। यहाँ पे आपको मिलेंगे ट्रैक्टर्स और ट्रैक्टर्स के ऊपर पूरी पूरी शॉप होती है। मैं शायद दिखा सकूं आपको, चूंकि यहाँ पे कच्चे रास्ते हैं तो उस ट्रैक्टर के ऊपर एक दुकान बनाई होती है आगे पीछे। ये देखें, ये नज़र आ रहा है आपको ट्रैक्टर, ये देखें सीमेंट रखी हुई है इसके ऊपर और ये यहाँ पे ज़्यादातर माल बाजारी का काम करते हैं। चूँकि आज बारिश है तो ये ओपन जो शॉप्स हैं वो नज़र नहीं आ रही और अगर आ भी नहीं रही हैं तो बहुत कम। बेले बाबा एक पुराना तजारती मरकज़ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें हैं, मुर्गों से ले के हर तरह की सब्ज़ी वगैरह यहाँ पे मौजूद है, आपको मैसर है। चूँकि इसके इर्द गिर्द काफ़ी सारी जो आबादियाँ हैं वो लगती हैं तो लोग यहाँ पे सुबह आते हैं और फिर शाम को मगरब से पहले पहले यहाँ से चले जाते हैं। शाम से कुछ पहले थोड़ा सा ये एक हाइडल पावर स्टेशन है जो कि ये जो खाड़ आ रहा है पूरी से उस पे लगाया गया है। इससे भी काफ़ी जो है वो नेशनल ग्रिड को जो पावर है वो पहुंचती है। जी जनाब, ये बिशाम स्टार्ट हो गया यहाँ से और हम बिशाम पहुँच आए हैं। अभी हम सवात रोड पे हैं और यहाँ से एक रास्ता जो है वो KKH जो गिलगित को जाता है, जो नॉर्मली हर मौके पे और हर साल सब पूरा सारा साल खुला रहता है। अदरवाइज़ जो नाराम वाला रोड है वो सिर्फ गर्मियों के लिए होता है, 4-5 महीनों के लिए, उसके बाद फिर वो बंद हो जाता है। अब वो बंद हो गया और वो खुलेगा अब जाके मई में। इस दौरान जितनी भी आमद रफ्त होती है वो बिशाम के रास्ते KKH पे कोहिस्तान और फिर आगे गिलगित की तरफ जाती है। तो ये सामने का जो इलाका है ये इसे टम का इलाका कहते हैं, टम, और यहाँ पे आपके मुख्तलिफ दफातर वगैरह भी मौजूद हैं। बिशाम ज़िला शांगला का सबसे बड़ा टाउन भी है और बड़ा जो बिजनेस हब भी है। यहाँ पे ही फ्लोर मिल्स वगैरह भी हैं, PTTC का जो एक होटल है वो भी यहाँ पे, और बड़े बड़े होटल्स भी यहाँ मौजूद हैं। अलपुरी में सिर्फ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो पुलिस और बाकी जो दफातर हैं वो वहाँ पे हैं, जबकि बिशाम में बाकी जो जितनी भी इनकी बड़ी जो कारोबार वगैरह होते हैं वो सारे के सारे यहाँ मौजूद हैं।